हे स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. मैं अपूर्वा सिंह और आप सभी का स्वागत करती हूँ ऑनलाइन तैयारी पे. जैसा कि हम लोगों ने कल के सेशन में भी किया था और आज के सेशन में भी अब आगे से कंटिन्यू रखेंगे कि जो हमारी डेली क्विज, जिसमें आपको मिलेगा क्वेश्चन ऑफ द डे एंड उसके साथ साथ जो क्वेश्चन ऑफ द डे है एंड उसके साथ साथ जो क्विज है डेली की, तो वो आपको डेली मॉर्निंग में इसी टाइम पर मिलेगी. सो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द रोल ऑफ सूफी एंड भक्ति मूवमेंट्स इन ब्रिंगिंग अबाउट न्यू फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस एक्सप्रेशंस अमंग्स मुस्लिम एंड हिंदूज इन इंडिया. भारत में मुसलमानों और हिंदुओं के बीच धार्मिक अभिव्यक्ति के नए स्वरूप को लाने में सूफी और भक्ति आंदोलनों की भूमिका का वर्णन करिए. तो जो हमारे अगर हम मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री में देखें, तो सूफी और भक्ति आंदोलन जो हुए हैं, इन भक्ति आंदोलनों को, पहली बात तो ये भक्ति आंदोलन थे क्या, ये आपको बताना है. और फिर इनकी क्या भूमिका रही है जो हमारे रिलीजियस थॉट प्रोसेस था उसको चेंज करने में, उसको एक नया आयाम देने में, ये चीज़ें आपको लिखनी है. तो ये 250 वर्ड्स में आपको आंसर लिखना है और अपने आंसर को आपको सेंड करना है is@onlinetaiyari.com पे. ठीक है, अब आप यह आंसर जो है बाई टाइप टाइप करके भी भेज सकते हैं, या फिर अगर आपने आंसर को राइट किया है तो मतलब लिखा है नोटबुक में, तो उसकी आप पिक्चर भी हमारे साथ में शेयर कर सकते हैं इस ईमेल आईडी पर. ठीक, सो जो जो भी आंसर अच्छे होंगे उन आंसर्स को हम नेक्स्ट डे सोशल मीडिया पर पोस्ट करेंगे और यूट्यूब कम्युनिटी इस पर पोस्ट करेंगे, जिससे बाकी स्टूडेंट्स भी आपके आंसर देख सकते हैं. और अगर आपका आंसर में कहीं कहीं कमी है तो फिर आप बाकी आंसर्स को देख करके अपने आप को इम्प्रूव कर सकें. सो ये था हमारा आज का क्वेश्चन ऑफ द डे. अब आगे बढ़ जाते हैं MCQ क्विज पर. सो पहला क्वेश्चन है हमारा, विथ रेफरेंस टू यूनियन टेरिटरीज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. पहला स्टेटमेंट है, यूनियन टेरिटरीज आर नॉट पार्ट ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. दूसरा स्टेटमेंट है, यूनियन टेरिटरीज आर नॉट पार्ट ऑफ फेडरल सिस्टम इन इंडिया. विच ऑफ द स्टेटमेंट अबव इज आर करेक्ट. सो संघ शासित प्रदेशों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए. पहला आपका कथन है, संघ शासित प्रदेश संविधान के अनुच्छेद 1 के अंतर्गत भारतीय संघ यूनियन ऑफ इंडिया का भाग नहीं है. दूसरा स्टेटमेंट है, संघ शासित प्रदेश भारत में संघीय प्रणाली के भाग नहीं है. इनमें से कौन सा कथन सही है? आंसर फटाफट से आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताते रहिए. सो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 का जो करेक्ट आंसर है वो है बोथ 1 एंड 2 सही है. एक्सप्लेनेशन की तरफ मूव करते हैं, तो स्टेटमेंट 1 सही है क्योंकि आर्टिकल 1 डिस्क्राइब करता है इंडिया को एज भारत एज यूनियन ऑफ स्टेट्स. तो जो अनुच्छेद 1 है वो इंडिया अर्थात भारत को राज्यों के संघ के रूप में वर्णित करता है, जिसमें केवल राज्य सम्मिलित हैं, संघ शासित प्रदेश नहीं. ठीक है, सो विच इंक्लूड्स ओनली स्टेट्स नॉट यूनियन टेरिटरीज. हाउ एवर द टेरिटरी ऑफ इंडिया इंक्लूड्स नॉट ओनली स्टेट बट ऑल्सो यूनियन टेरिटरीज एंड ऑल्सो एनी टेरिटरी दैट इंडिया में एक्वायर इन फ्यूचर. तो हालांकि भारत का राज्य क्षेत्र न केवल राज्यों बल्कि संघ शासित प्रदेशों एवं भारत द्वारा भविष्य में अधिग्रहित किए जा सकने वाले किसी अन्य राज्य क्षेत्र को भी सम्मिलित करता है. दूसरा कथन भी सही है क्योंकि राज्य संघीय प्रणाली का अंग है और केंद्र के साथ सत्ता के वितरण में साझेदारी करते हुए दूसरी ओर संघ शासित जो प्रदेश हैं वो सीधे केंद्र द्वारा प्रशासित किए जाते हैं. सो स्टेटमेंट 2 इज ऑल्सो करेक्ट. एट स्टेट्स आर मेंबर ऑफ फेडरल सिस्टम एंड शेयर्स अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर विद सेंटर. ऑन द अदर हैंड यूनियन टेरिटरीज आर डायरेक्टली एडमिनिस्टर्ड बाय द सेंटर. क्लियर, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिगार्ड टू WTO सब्सिडाइज बॉक्सेस. ग्रीन बॉक्स इंक्लूड्स ऑल ट्रेड डिस्टॉर्टिंग सब्सिडीज. अम्बर बॉक्स इंक्लूड्स ऑल नॉन ट्रेड डिस्टॉर्टिंग सब्सिडीज एंड ब्लू बॉक्स इंक्लूड सब्सिडीज गिवन अंडर प्रोडक्शन लिमिटिंग प्रोग्राम. सो विश्व व्यापार संगठन के सब्सिडी बॉक्सों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए. हरे बॉक्स में व्यापार विकृत करने वाली सब्सिडी सम्मिलित हैं. अंबर बॉक्स में सभी गैर व्यापार को विकृत करने वाली सब्सिडी सम्मिलित हैं. नीले बॉक्स में उत्पादन को सीमित करने वाले कार्यक्रम के अंतर्गत आने वाली सब्सिडी सम्मिलित हैं. उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? अब यहाँ पर आपको क्या बताना है, कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है. तो यहाँ पे हम एक्सप्लेनेशन की तरफ मूव ऑन करते हैं. तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि ये सब्सिडीज होती क्या है, ग्रीन बॉक्स, ब्लू बॉक्स, अम्बर बॉक्स. तो ग्रीन बॉक्स सब्सिडीज इंक्लूड्स ऑल नॉन ट्रेड डिस्टॉर्टिंग सब्सिडीज.
तो सभी गैर व्यापार को विकृत करने वाली सब्सिडी हरे बॉक्स में शामिल होती हैं, विच आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम रिडक्शन कमिटमेंट्स, फॉर एग्जाम्पल पेमेंट ऑफ पेमेंट्स फॉर एनवायरमेंट प्रोग्राम रिसर्च, तो जिसमें कटौती प्रतिबद्ध से छूट प्राप्त है, उदाहरण के लिए पर्यावरण कार्यक्रम अनुसंधान के लिए भुगतान। अब जो अंबर बॉक्स सब्सिडी है, इसमें शामिल होते हैं ऑल ट्रेड डिस्टॉर्टिंग सब्सिडीज एंड आर एक्सपेक्टेड टू फॉलो रिडक्शन कमिटमेंट इफ सब्सिडी वैल्यू एक्सीड्स द डी मिनिमस लेवल, फॉर एग्जांपल सब्सिडीज ऑन एमएसपीज, फर्टिलाइजर्स, इलेक्ट्रिसिटी। सो यहाँ पे जो आपका अंबर बॉक्स सब्सिडी है, इसमें सभी तरह के व्यापार को विकृत करने वाली सब्सिडी शामिल होती हैं, और यदि सब्सिडी मूल्य डी मिनिमस स्तर से अधिक हो जाता है तो कटौती प्रतिबद्धता से छूट प्राप्त होती है, उदाहरण के लिए एमएसपी यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस, उर्वरक, विद्युत पर दी जाने वाली सब्सिडी। अब जो नीला बॉक्स होता है, इसमें उत्पादन को सीमित करने वाली सब्सिडी के अंतर्गत सब्सिडी दी जाती है। सो इन द ब्लू बॉक्स इंक्लूड्स द सब्सिडी गिवन अंडर द प्रोडक्शन लिमिटिंग प्रोग्राम, दीज आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द रिडक्शन कमिटमेंट्स। सो अब हम यहाँ पे आंसर की तरफ देखते हैं, तो यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन थे इसको आप दोबारा से पढ़िए, और इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा वन एंड टू ओनली। ठीक, सो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन आपको नीचे पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो आपको ये क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर थ्री। क्वेश्चन नंबर थ्री हमारा, विथ रेफरेंस टू न्यूक्लियर रिसोर्सेज इन इंडिया, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। यूरेनियम डिपॉजिट्स अकर इन द लोकेशन अलोंग द सिंघभूम कॉपर बेल्ट। थोरियम डिपॉजिट्स हैव बीन फाउंड इन पलक्कड़ एंड कोलम डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ केरला। भारत में नाभिकीय संसाधनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यूरेनियम निक्षेप सिंघभूम कॉपर बेल्ट से सटे स्थानों पर पाया जाता है। थोरियम का निक्षेप केरल के पलक्कड़ और कोलम जिले में पाया जाता है। इनमें से कौन सा कथन सही है? ये आपके पास में ऑप्शन है, आपको बताना है फटाफट से, कमेंट करके आप आंसर्स अपने बताते रहिए। तो यहाँ पे हम एक्सप्लेनेशन की तरफ मूव करेंगे कि क्या इसका सही स्टेटमेंट होगा। इसमें हम यूरेनियम के बारे में जान लेते हैं। सो यहाँ पे स्टेटमेंट वन भी करेक्ट है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है सी ऑप्शन, बोथ वन एंड टू आर करेक्ट। ठीक है, सो यहाँ पे वन स्टेटमेंट क्यों करेक्ट है, क्योंकि यूरेनियम डिपॉजिट्स अकर इन द धारवर रॉक्स। जियोग्राफिकली यूरेनियम ओर्स आर नोन टू अकर इन सेवरल लोकेशंस अलोंग द सिंघभूम कॉपर बेल्ट। यूरेनियम के निक्षेप धारवाड़ शैलों में पाए जाते हैं, और भौगोलिक दृष्टि से सिंघभूम कॉपर बेल्ट के किनारे कई स्थानों में यूरेनियम अयस्क पाए जाने की जानकारी है। ठीक है, और ये और किस जगह पर पाए जाते हैं, तो उदयपुर, अलवर, झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान, और छत्तीसगढ़ की दुर्ग डिस्ट्रिक्ट, भांद्रा ऑफ महाराष्ट्र, और कुल्लू डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश, यहाँ पर भी यूरेनियम के डिपॉजिट्स पाए जाते हैं। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट भी करेक्ट है, क्योंकि थोरियम इज मेनली ऑब्टेन फ्रॉम मोनाजाइट एंड इलेमेनाइट इन द बेंच सैंड अलोंग द कोस्ट ऑफ केरला एंड तमिलनाडु। तो थोरियम मुख्य रूप से तमिलनाडु और केरल के तट के समीपवर्ती समुद्र तट की रेत पर मिलने वाले इलेमेनाइट से प्राप्त किया जाता है। एंड वर्ल्ड्स रिचेस्ट मोनोजाइट डिपॉजिट अकर्स इन पलक्कड़ एंड कोलम डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला। तो विश्व के सर्वाधिक समृद्ध मोनोजाइट निक्षेप केरल के पलक्कड़ और कोलम जिले में पाया जाता है। ठीक है, और उसके साथ साथ विशाखापट्टनम आज के आंध्र प्रदेश में है, फिर महानदी रिवर की जो डेल्टा है उड़ीसा में, उसमें भी पाया जाता है। सो आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर। नाउ आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर फोर है हमारा। इन विच स्टेट इज माउंट मनीरंग लोकेटेड? माउंट मनीरंग किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है आपके जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश या फिर सिक्किम। ये गलत हो गया, तो यहाँ पे चार आपके पास में ऑप्शंस हैं माउंट मनीरंग के बारे में। अब एक्सप्लेनेशन की तरफ मूव करते हैं, एक्सप्लेनेशन सुनिए और फिर आंसर करिए आप लोग कि माउंट मनीरंग कहाँ पर लोकेटेड है। तो माउंट मनीरंग जो है वो इट इज़ द हाईएस्ट माउंटेन इन द इंडियन स्टेट हिमाचल प्रदेश। तो माउंट मनीरंग जो है भारतीय राज्य हिमाचल प्रदेश के सबसे ऊँचे पहाड़ों में से एक है। इट लाइज इन द बॉर्डर बिटवीन किन्नौर डिस्ट्रिक्ट एंड लाहौल एंड स्पीति डिस्ट्रिक्ट। सो ये किन्नौर जिले और लाहौल और स्पीति के बीच की सीमा पर स्थित है। Close to the peak is the High Manirang Pass, which was one of the early trade routes between Spiti and Kinnaur before the motorable road was built. तो यहाँ पे जो मनीरंग दर्रा स्थित है, इस दर्रे से ये एक शुरुआती व्यापार मार्ग था, जबकि motorable roads नहीं बनी थी, यानी कि व्यापार करने के लिए आपको दर्रों से होकर के गुजरना पड़ता था, तब ये दर्रे का इस्तेमाल किया जाता था रोड बनने से पहले। सो नाउ आई होप द आंसर इज क्लियर कि जो मनीरंग है, माउंट मनीरंग, वो किस राज्य में स्थित है। सो करेक्ट
करेक्ट आंसर इज हिमाचल प्रदेश में स्थित है। आगे बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन, क्वेश्चन नंबर 5। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट डज नॉट शेयर द बॉर्डर विद नेपाल? सो इनमें से कौन सा स्टेट जो है वो नेपाल के साथ में बॉर्डर शेयर नहीं करता है? सिक्किम, उत्तर प्रदेश, मणिपुर या बिहार? सो आइए एक बार मैप देख लेते हैं। सो यहाँ पे ये है नेपाल का मैप, नेपाल ये रहा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम और यहाँ पे वेस्ट बंगाल भी है। सी ठीक है, सो यहाँ पे पांच राज्य हो गए, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। अब नाउ ऑप्शंस देखते हैं। सो मणिपुर यहाँ पे नहीं है, सो यहाँ इसका राइट आंसर होगा सी, मणिपुर। क्लियर? सो ये मैप एक बार देख लीजिए और इसके साथ साथ अब आप लोगों को आज ये करना है कि जितने इंडिया और उसके नेबरिंग आपके देश हैं, ठीक है, नेबरहुड आपके कंट्रीज़ हैं, उन कंट्रीज का के जितने भी स्टेट्स हमारे एडजेसेंट स्टेट्स हैं उन स्टेट्स के बारे में आज आप लोगों को मैप में देखना है, अच्छे से निहारना है, जिससे वो सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हो जाए। सो दैट्स ऑल इन टुडे सेशन। आई होप आप लोगों को सेशन पसंद आया होगा, पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और इसके साथ साथ और आपको IAS के इस तरीके के और MCQs चाहिए तो टेस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसमें टेस्ट अटैम्प्ट करिए। और प्लस हमारे करंट अफेयर्स के टेस्ट एडेड हैं ऑलरेडी, तो जो कि स्पेशली फॉर 2019 है उसको अटैम्प्ट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर ज्वाइनिंग अस।